अच्छा ठीक है, पैसे दो। ठीक है साहब, शाम का ख्याल रखना। ठीक है साहब, आए सब तैयारी करके रखना। से टेबल नंबर 5 का बिल बनाइए। हाँ बना रहा हूँ। 5 ग्रीन लेबल, 5 प्लेट कबाब, 5 चिकन फ्राई, 3 रोटी फ्राई और 3। अरे शिवाब, बिल बिना दिया पे कहाँ जा रहा है बाप? अरे पकड़ो साले को, पकड़ो, भाग देना भाई, पकड़ो साले को। किसको ढूंढ रहे हो भाई? सारे लोग हमारे बारे में जम के दारू पिए और बिना पैसे दिए भाग गए हैं चाचा। थू साला कमीना कहीं का, पैसे है क्या पूछता है? तुम लोग को आज बिना ये कह रहे थे ना। मैं क्या करता, किसी ने झूठ बोला। अगर हम उन लोगों के हाथ में आ जाते ना तो हम सबका कीमा बना देते। अब महीने भर तक उस एरिया में मत दिखना। भाग भाग कर जो चढ़ी थी वो सब उतर गई यार। और दो चार चढ़ाने का इरादा है क्या? हाँ, तेरा बाप ला कर देगा क्या? बाप को क्यों याद कर रहा है, उसका बेटा अभी जिंदा है। ले आ गई। ये तूने कहाँ से उड़ाया बे? इसे चुराने का गुनाह मैंने नहीं किया, ये जो शांत गुमसुम बैठा है ना उसने किया। यहाँ किसी से मांगो तो मिलता नहीं है, छीन कर खाना पड़ता है। आहा, राजा और ऐसी बातें कर रहा है? कौन राजा है और कौन मंत्री? यहाँ तो सिर्फ दो लोग हैं, एक भिखारी और दूसरा लुटेरा। एक सर झुकाता है तो दूसरा सर काटता है। इसे चढ़ानी है या फेंको इसको? अबे शर्म आ रही है क्या? नहीं तो फिर खोल दे ढक्कन। जो इंसान शर्माता है वो इस दुनिया में जी नहीं पाता। ओके मामा। साले गंदी नाली के कीड़ों, मुझे भी अपने आप जैसा समझाया क्या कि फोकट की मिली तो पी लो। ए, तेरा बाप मास्टर है, तू नहीं। ये स्कूल नहीं है। और हम स्टूडेंट नहीं है। किसी की सुनते नहीं। फायदा कुछ भी नहीं है। अब तुझे पीना ही पड़ेगा। ए, इसको पकड़ रहे। अरे बुप, अरे बुप। जीना कैसा है यारो, हर दिल में देखो जा मस्ती खुशी है यारो, सच है ये यारो। हर कोई गुस्सा है यारो, कोई तो दे दो सजेशन। जेबे खाली है यारो, कुछ तो करो। हालत है खस्ता देखो, फूटी है किस्मत देखो, कड़के है ये है टेंशन, जीना भी टेंशन। हम तो बन गए हटपोरे, हम तो हो गए नकारा, बेपरवाह हम तो हुए हैं सड़कों पे फिरते आवारा। ये जीना कैसा है यारो, हर दिल में देखो टेंशन। कब होगा बोलो, सपना अपना कैसा है बोलो, जाने वो दिन कब आएगा। हाथों में बोतल हर शाम हो मल्ला, आएगा आएगा और दिन वो आएगा, हम ऐश करेगा एंजॉय करेगा राइट, अपना भी टाइम बदलेगा।
भी काम जो भी है करता, नौकरी धंधा फिर भी ना मिलता, आए नजर ना मंजिल दूर है दिल, तब तक हम दे दिल को झूठी तसल्ली। और सुन ले बिड़ू आ मेरे पास तू, अरे फिकर न कर तू इस लाइफ को जीतू, जीने का है यही बंदा। ये क्या सुबह से ही शुरू हो गए? मैंने पी नहीं है तो बेकार में चिल्ला मत, मुझे उसकी गंध भी अच्छी नहीं लगती। बाप घर में और बेटा बाहर, दोनों किसी से कम नहीं। अरे तू जा ना वहाँ, क्या मुसीबत है। बाबा क्या? वो बाहर आपका फोन आया है। हेलो, आकर फोन रिसीव करने तक सब्र नहीं कर सकते तो साले बेवड़े लोग। घर में आने का तेरा कोई टाइम टेबल नहीं है क्या नालायक? क्या माँ, कहाँ इतना टाइम हुआ है, अभी तो सिर्फ 8 बजे है। शुक्र है 6 बजे है, ऐसा नहीं कहा, दुनिया में सभी घड़ियों में 11 बजे हुए हैं और इसकी घड़ी में अभी तक सिर्फ 8 ही बज रहे हैं। क्या माँ ऐसा बोल रही है जैसे तूने मुझे घड़ी दिला कर रखी है? मैंने जो घड़ी दिलवाई थी वो घड़ी तूने 3 ही दिनों में मारवाड़ी को भेज दी, भूल गया क्या तू? तू है तुझ पर, बड़ी मुश्किल से हम होटल चला रहे हैं, जो भी पैसे कमाते हैं तेरी फटीचर गाड़ी की रिपेयर में चले जाते हैं, शौक तो नवाब हो जैसे हैं। ठीक है ठीक है, आप छोड़ना माँ, पुरानी बातें क्यों निकाल रही है, खाने को कुछ देगी या नहीं? एही, जो भी बचा है जाकर खा ले, तेरा बाप सो रहा है। घर में जवान लड़का कुआरा बैठा है, इसकी फिक्र ही नहीं है साले को। साला चोर कहीं का, 3-3 दिनों में पेश कहाँ गायब हो रहा सोच के परेशान होता था, साला आज चोर पकड़ा गया, अब नहीं छोड़ूंगा इसे। ये जग्गो बाहर निकल साले। What, man? रोज लगा लगा कर घसने के लिए तेरे बाप की जायदाद है क्या? तेरा मेरा क्या है मैन, सब ऊपर वाले का है, सब उसकी माया है। साला एक दूंगा ना, क्या हुआ दिखाने आ जाएगी। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? आओ आओ भारत माता आओ, तूने ऐसे नालायक बेटों को क्या सोचकर जन्म दिया? देखो यहाँ का कोई भी घर इसने छोड़ा है क्या? सब ऊपर वाले का कहकर कुछ न कुछ चुराते रहता है, वहाँ तो मेरा ड्रम रखा है ड्रम, और पेस्ट भी खा जाता है मेरा कुत्ता कहीं का। पेस्ट क्या, किसने चुरा लिया पेस्ट? कोई सोना है क्या जो ये चुरा लेगा? अरे जा, बेचारे ने 2 दिन से दांत नहीं घसे, इसने थोड़ा सा पेस्ट क्या निकाल लिया। बच्चा ये समझेगा क्या? जाओ। ए भगवान, ये बच्चा है, बेटों को सुधारने के बजाय और बिगाड़ने पे तुली है, तू कैसी माँ है? तुम दोनों का कभी उधार नहीं हुआ। हाथ अपने पास घिसने के लिए कुछ नहीं है क्या? इतना बड़ा हो गया तू सुधरेगा नहीं कभी, नहीं सुधरेगा, जान चलाता है, घर से चुराता है, अपने पास नहीं है क्या? और क्या क्या, ये नहाने के लिए डब सोप है, शैम्पू है, शॉवर बात है, अपने यहाँ 2 ही चीज है, पत्थर का ब्रश और ईट का साबुन बात करती है। घर में काम करने वाली के पास और क्या होगा? हाँ, बड़े लाड साहब नवाबों की तरह बात कर रहे हैं। कहीं मेहनत मजदूरी करके घर में सामान लाकर अपनी माँ की हाथ बटाएगा, ये तो नौला कहीं का मेरा दिल जला। समझ तो बहुत है माँ, लेकिन किस्मत खराब है, क्या करूँ बता। इस बेचारे जग्गू को तूने इस झोपड़ पट्टी में पैदा किया, तेरे में जरा सी अकल वकल है कि नहीं? हाँ, अब देख क्या क्या झेलना पड़ रहा है, सुबह सुबह इस बूढ़ी का लेक्चर सुनना पड़ता है। तूने बहुत बड़ा बाथरूम बना रखा है ना रेलवे ट्रैक के पास, वहीं पे जाकर नहाकर आता हूँ, चलता हूँ। रेलवे ट्रैक थोड़ी देर बाद मैं काम करने चली जाऊंगी। चलता जाता है, खाना बना के जाती हूँ। ओके मदर इंडिया, खाना खा लेना तू। हाँ आ जाऊंगा। लक्ष्मी तैयार हुआ क्या? हाँ हाँ अभी आई, बस हो गया हो गया। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है। ए बंदरिया, चल बाजू हट, 2400 घंटे आईने के सामने ही खड़ी रहती है, आईने से ही शादी कर लेना। तुम्हें इससे क्या? एक दूंगा ना। आ,
दोनों को क्या होता है जब देखो झगड़ते रहते हैं। मैं अपना काम करूँ तुम लोगों को समझाती रहूँ। ओ जी नाश्ता रेडी हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, करते रहते हैं, नौजवानों की तरह तैयार होते रहते हैं। आहा डोसा, आहा क्या मजेदार है। ए समझ में नहीं आता, इन्हें देर हो रही है ना, ठंडा होने के लिए यहाँ रखा और तू शुरू हो गया। मांगता तो मैं दूसरा ला देती ना। नहीं खाने दो, साहब को ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक हर गली नुक्कड़ पर घूमना जो है इसे। मुझे पैदा करने के लिए मैंने आपसे कहा था। ए वो बात नहीं है। तू चुप बैठ माँ। सभी घरों में बच्चों को बढ़ावा देते हैं लेकिन यहाँ नीचा दिखाते हैं। सिर्फ कमाने वालों को खाने की इजाजत होती तो इस दुनिया में कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता। ये लीजिए खाइए। अरे राजा जंगल में मोर नाचे, जंगल में मोर नाचे, मोर नाचे। ये लो साहब चाय, ये चाय पीकर देखो। हमारी चाय जो है ना वो डॉक्टर की दी हुई टॉनिक के बराबर है। हाँ टॉनिक के बराबर। लोग लुढ़क तो नहीं जाते ना। बहुत अच्छी मजाक करते हैं साहब। मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरा मतलब ये था कि जन्नत की सैर करने लगते हैं लोग इसे पी के। ए टेंगू क्या कर रहा है तू? हाँ भजिया, भजिया पतला पतला डालना, कितना मोटा डाल रहा है, मेरा दिवाला निकलवाएगा क्या? अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ चाहते हो, वहाँ क्यों बैठ गए? क्या हुआ भाई, बेंच तो अच्छा खासा है। अरे जो दिखने में अच्छे होते हैं वो बीमार नहीं होते हैं क्या? क्यों इतना गंदा बेंच है क्या वो? वहाँ बैठा नहीं जाता। अरे वो शनि देव जिस पर बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कौवा कहते हैं। हाँ वो कौवे जो है ना वो अभी आ जाएंगे देखना तुम्हारे। चल चलते हैं यार, ये लो पैसे। पांच कटिंग चाय लाना और साथ में पांच सिगरेट। ए चाय के साथ नाश्ता भी चाहिए होगा, गोबर लाके दूं क्या? वो आप ही खा लीजिए। हाँ अकड़ता है। ए भट भाई ये सब क्या है? ये हिसाब चुकता करो तभी गिलास भरेगा, समझे क्या? राजा ये भट पुराना हिसाब दिखा रहा है यार। जगो जैक तैयार है बेटा। पट्टी पढ़ाते हैं भट भाई। ए तुम लोग सुबह सुबह उधार पीते हो, मेरे धंधे को पनौती लगती है। आज के बाद उधार बिल्कुल बंद, ओनली कैश। हाँ इस होटल का नाम क्या है? होटल राजधानी। ये किसका नाम है? र मतलब राजा, ज मतलब जग्गू, द मतलब दादू, न मतलब नित्या। ए और मेरा नाम? ए, हम उसे बना रहे हैं, समझने की कोशिश करना। ओए भट भाई हमारे नाम से पहले अक्षर को निकाल कर वेल्ड करने से वो राजधानी बन जाता है। भी हमने कभी कोई हिस्सा मांगा क्या? नहीं नहीं भट भाई ये सच है कि हमारे पास काम नहीं है, हम बेकार हैं। लेकिन मरने से पहले हमें एक बार वो महान काम करना है, इसका हम सब फैसला कर चुके हैं भट भाई। अरे वो क्या है इन्हें बताओ राजा। ये फर्टीचर होटल राजधानी स्टार होटल राजधानी बनना चाहिए और ऐसा करने से हम सबका नाम हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। भट भाई गले लग। हाँ, ए राजा गले मिलिए। अगर ऐसा कोई होटल बना ना तो हमारे भट भाई ही उस होटल के मालिक बनेंगे। हाँ तुम लोग सच कह रहे हो क्या? आपके इस होटल की चाय की कसम सच है। सत्य सच है। मुझे तुम लोगों पर विश्वास तो नहीं है लेकिन मैं सोचता हूँ इस बार मैं कर ही लूं। भट भाई आपके सर की कसम, हमने एक बार जबान दे दी तो मतलब काम हुआ समझो। अंडा फोड़ा मतलब तवे पर ऑमलेट डालना ही है। ऐसा है तो मैं अभी सबको चाय पिलाता हूँ। अरे भट भाई सिगरेट। ए टेंगू इन्हें जल्दी से पांच सिगरेट दे दे। हाँ देता हूँ। अरे भाई इसे आप अपने ही पास रख लीजिए, शाम को लौट ले जाऊंगा। ऐसा तुम ठीक समझो। पागल तो ये तेरी आई यार। ए सिगरेट फेंक दो। ए सुनना गाड़ी की चाबी देना। क्यों साले कबूतरी इशारा करके गई क्या जो इतना उतावला हो रहा है? अबे दे तेरी जान का। आ!
एक रुपए का कॉइन है तो दो ना, एक फोन करना है, भूल गई थी। किसे फोन करना है? मेरे कजिन को, उसका बर्थडे है आज। ओ, ऐसा क्या? ये लो, यहीं रुकना, मैं अभी आई। हेलो, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहती हैं वो फिलहाल बिजी है। तो मैं क्या करूं, मुझे अभी टाइम मिला। ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या? यही फोन का ड्रामा। कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है? अगर तुम चाहो तो हम अकेले में भी मिल सकते हैं। अकेले? अकेले क्यों? हाँ, ये तो वही बात हो गई कि पूरी रामायण सुनने के बाद राम की सीता क्या लगती है पूछ रही हो। क्या बकबक कर रहे हो, जरा जोर से बोलो, अकेले क्यों मिलना है? वो क्या है ना, तुम कितनी हसीन हो ये बताने के लिए। मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ। तुम्हारे घर का आईना झूठ बोल सकता है लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ए सौम्या, बस कर, टाइम हो रहा है। अब मेरी फ्रेंड्स मुझे बुला रही हैं, मैं चलती हूं। मैं भी तो बुला रहा हूँ। ठीक है, कल 3 बजे हम कॉफी डे में मिलेंगे, आ जाना। ओके, मैं रखती हूँ। कितनी देर लगा दी तूने, ये लो। ए फोन नहीं किया तूने क्या? फुल लैंग्वेज था, लाइन ही नहीं मिल रही थी। ए वो कौन था जो तेरे बाजू में खड़ा था, किससे बात? दो चाय ना, दो चाय और दे बिना शक्कर की, जल्दी कर जल्दी कर। ए भाई लोग, क्या हो रहा है? राजा, क्या हाल है तेरी का? जग्गू बेटे, मेरे कलेजे के टुकड़े। हमारे गांव की एक बात बताऊं क्या, हम बकरे की बलि चढ़ाते हैं, उस बकरे को अच्छी तरह से फूलों से श्रृंगार करते हैं, अच्छी तरह से घी वगैरह लगाकर मुंडी उड़ा देते हैं। चाय पियो। जग्गू, अब मेरी लव स्टोरी को बचाना तेरे हाथ में है यार। मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, लड़कियों का प्यार और तितली की उम्र दोनों एक जैसा है राजा। पंख मार कर आते हैं और आह कहने से पहले झट से गायब हो जाते हैं। मेरी बात सुनी क्या? सुनी मेरी बात तुमने? ए, मेरी ने मुझे कॉफी डे में बुलाया है। बोल, तेरी आंटियों से बात करके थोड़ा पैसे का इंतजाम करना। नहीं बेटा, वो सब मेरे लिए अर्जेंट एटीएम कार्ड है, उन्हें मैं ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो क्या तू चाहता है इसे इसका प्यार ना मिले? दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या बे? तू किसके बारे में बात कर रहा है? अरे ये जग्गू है, दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। क्यों बेटा? हाँ बाबा, हाँ दे सकता है। हाँ सही बोला। हाँ दादू, तू अपना 2 इंच का खड्डा बंद कर। हाँ बंद कर दिया। तू बोल, दोस्त के लिए मैं इतना नहीं कर सकता क्या? हाँ तो दे ताली। और क्या? हाँ ठीक है भिजवा दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। देखो कार का मालिक आ रहा है। मिल गया ना आपको? ठीक है मैं जाकर अभी भिजवा देता हूँ। मेरा टायर। अरे अरे बाजू बाजू आंटी, अरे आंटी बाजू, आंटी आंटी, अरे मेरा टायर है, हे भगवान, अरे आंटी बाजू बाजू बाजू, अरे अरे आंटी आंटी आंटी, सॉरी आंटी, सॉरी आंटी आंटी आंटी, वो आंटी वो अपना अपना टायर, आंटी वो मैंने कुछ नहीं किया आंटी, वो टायर बड़ा हो गया तू टायर से खेलता है। इसके अलावा मुझे और कोई खेल नहीं आता आंटी। टायर आंटी, वो टायर मतलब मेरी जान। पंचर ठीक करना चलाना, पंचर ठीक करना चलाना। पुअर बॉय, हाउ इनोसेंट। दर्द हो रहा है क्या आंटी? लग रहा है। मसाज करूँ क्या आंटी? बहुत दर्द हो रहा है। घर पे चलूँ क्या आंटी? कहाँ मिलने की बात की थी? फोन करके तो यहीं आने के लिए कहा था, आओ देखते हैं। ये साला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं कहीं होगा, रुको देखते हैं ना। ए पैसा खत्म होते ही अड्डे पर आ जाएगा, चलो। ये भी सही। हाय फ्रेंड्स। ए ये तो अपना जग्गू है यार। हाँ यार। ए ये कौन सा नया गेटअप है बेटा? एक टायर की कहानी। कैसा टाइटल है भाई? अरे दिखा 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 दिखा। ये क्या बाप, घड़ी अंगूठी जबरदस्त है, कहाँ से मारी बे? ओ मतलब आज फिर किसी आंटी को तूने? अरे अपने हाथों में क्या भाई, ये सब ऊपर वाले की माया है। ए, नसीब हो तो तेरे जैसा होना चाहिए। हर रोज तुझे कोई न कोई मिली जाती है। ओए, इस साले के बदन पे जरूर कहीं ना कहीं होगा, वरना ये लक इतनी आसानी से थोड़ी मेहरबान होता है। ब,
बताना यार किधर होता है? अबे साले इधर आ। कहाँ होता है इतना भी नहीं पता तुझे? खास जगह पर होता है, समझ गया क्या? भाई जा 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 क्या? सुनो, इस पैसे से हम लोग बिल भरते हैं और जो बचेंगे उससे कल मैं अपनी आम को कॉफी डे में लेके जाऊंगा, ठीक है ना? राजा, अगर कल तेरे ने बोला कि चल प्रिंसेस चलते हैं तो मुझे दूसरी आंटी ढूंढनी पड़ेगी। मतलब? इसका मतलब यह है कि अब इतना ही बचा इसे संभाल कर रखो। बिल? और सोचना क्या, ये अपना पुराना आइडिया। साला पागल है। रेडी 1 2 3 साला अपना तो नसीब ही खराब है, एक ही नहीं है सिर्फ दाग ही दाग है। भाइयों भाइयों रुक जाओ भाइयों, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है भाइयों। विनय। क्या बाबा? पता नहीं क्यों धुंधला धुंधला दिख रहा है, जरा ऊपर की लाइन पढ़कर बताना। ठीक है बाबा। सारी दुनिया मेहनत करने में जुटी है और तू खुद को देख। मेहनत की रोटी से मिलता है सुकून। जाओ बेटा, जाकर खाना खा लो। दीदी खाना दो, चलो। इसे ले जाकर सावित्री आंटी को दे देना, वो 50 रुपए देंगी। 2 किलो चावल लेकर आना, घर में चावल नहीं है। कहाँ जा रहा है? ओ, मास्टर तेरी जी। जात का साले रुकना। ओ विनय। ए बेस बॉडी, तेरी जात का साले रुकना, हम तुझे बुला रहे और तू चलता जा रहा है। हाँ? ओए मेरा पीछा करना छोड़ दो, आजकल मेरे घर की हालत ठीक नहीं चल रही है, किसी तरह से भी मुझे काम ढूंढना ही पड़ेगा। ओए तू काम ढूंढता रहे, कौन मना कर रहा है, लेकिन तू हमारा साथ क्यों छोड़ रहा है बे? ए तुम लोगों का थोपड़ा देखकर जाऊंगा तो काम मिलने वाला होगा, वो भी नहीं मिलेगा, अपना सड़ा गला मुंह लेकर जाओ यहाँ से। शायद तू नहीं जानता हम किसी हूर परी किसी अफसर से कम है क्या? हाँ? ए, दिखा उसे। बेटे, आज तुझे काम हर हाल में मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा हम भी देखते हैं, चल हमारे साथ। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे अकेले जाने दो, शाम को वापस आकर अड्डे पर मिलूंगा फिर बात करेंगे। विनय, दोस्तों के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अरे जाता कहाँ है, तू हमें ले जाएगा तो हम तुझे लेके जाएंगे। चल गणपति बाप्पा मोरया, छोड़ो। ऐसा ड्रेसिंग करने से काम देते हैं क्या? नहीं तो नहीं देते क्या? कहाँ का सिस्टम है यार? यस सर, ओके। मिस्टर विनय। हाँ, अपुन का बच्चा, अपुन का बच्चा। हाँ, यही पर है। क्या मुसीबत है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। मैं क्या करूँ? अरे बैठ जाना यार। देख बेटे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा नाम बोल देना। चुप कर। अबे बैठ साले अनपढ़ गंवार की तरह मत। माय फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, बेबी कॉल की तरह। मे आई कम इन सर? दिन तक दिन देता देता, दिन तक दिन देता देता। नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम हो क्या चीज़? अरे तुम जैसे को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हारी हिम्मत। ए राजा, विनय को डांट रहा है बे। मुझे तुमने बेवकूफ समझा है क्या? ए क्या क्या मैंने तुम्हें भरोसा? ए रुक जाओ। हे व्हाट द हेल आर यू डूइंग? कौन है ये सब? सर मेरे दोस्त। कोई भी हो, वॉचमैन कम हियर, आई से गेट आउट। साले आवाज नीचे रखा जा। नहीं जाऊंगा, क्या खा रहा है? गेट आउट, गेट आउट, गेट लॉस्ट, बाहर जाओ यहां से। प्लीज इंटरव्यू में गुंडों को लेकर आ जाते हैं, गेट आउट, गेट लॉस्ट। हो गया, चलो। इंटरव्यू का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, टेस्ट लेना, सर्टिफिकेट देखना। ओके, वो छोड़कर तेरे ऊपर बरसने लगा, वापस जाकर दो चार लगाऊं क्या साले को? ए बस करो, बहुत हो गया। मैं किसी अनजान आदमी के घर जाता हूँ, वो मुझे चोर खूनी समझकर मेरे साथ लड़ना शुरू कर दे और मैं उसे किस तरह समझा बुझाकर अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचूंगा, इसका मैं लाइव डेमो दे रहा था। इतने में तुम लोग शनि की तरह मेरे पास आकर मेरे काम की सारी वाट लगा दी। छे विनय, अरे ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना यार, हमें बताता तो हम सब मिलकर दो चार आइडिया देते यार। अच्छा ठीक है, दे दे। अचानक पूछेगा तो कैसे चलेगा यार, इसके लिए हम सबको मिलना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, इन सब चीजों के लिए टाइम लगता है। अबे साले तेरी आइडिया, साले मेरा मुंह मत खुलवा, तू तुम्हारी जात का शैतान हो तुम लोग, शैतान, पूरे शैतान। चुप। आ गई, ए देख आ गई।
डर्टी पिक्चर्स देखी, बहुत अच्छी फिल्म है। नहीं यार, मुझे गाना नहीं मिला। क्या बात है? अच्छा, हम लोग बाद में मिलते हैं। तुम लोगों के साथ रहा तो मुझे भी टपोरी समझेगी। चलता हूँ, बाय। हाय। हाय। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, इंटरव्यू देने गया था। लड़कों को कोई काम मिले या ना मिले, लेकिन लड़कियां पता नहीं पहले ही मिल जाती है, वो कैसे यार? दादू, जैसे अपन काम करने वालों को ढूंढते हैं ना, वैसे लड़कियां भी ऐसे लोगों को ढूंढती हैं और उन्हीं से टाका भिड़ाती हैं। ये लड़कियों की फितरत है यार। अच्छी बात की है, मतलब राजा ने मिलने का वादा किया है, वो भी ऐसी है क्या? ए, के बारे में बात। अच्छा हुआ तूने बात किया यार, आज उसे मिलना है, मैं तो भूल ही गया था। यहाँ वहाँ टपोर की तरह भटको मत, चलो घर जाओ। शरीफ बन रहा है। थोड़ी देर चुप रहोगी क्या? हमेशा तुम्हें दूर से देखता आ रहा हूँ। रोज सुबह कॉलेज में जाते वक्त आते वक्त खाली सिग्नल देते रहते हैं। थोड़ा सामने से जी भर के देख तो लेने दो ना मुझे। Baby.
एक पल में यारा सौ जन्मों का आजा जानो तुझे प्यार दूं मेरी दुनिया ये मेरी जिंदगी हो गई है आपकी मेरा सपना मेरी ये खुशी हो गई है आपकी इतनी महंगी हो गई है तुम्हें तो कहूँ तुम्हें कल ही मैंने खरीदी संजना अरे बाप रे बड़े पर निकल आए तेरे हाँ तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे झूठ बोलती है और यहाँ वहाँ घूमती रहती है मैं कॉलेज भेजती हूँ तो उस लड़के के साथ मौज मस्ती करती है तू हाँ तुझे कितनी मुश्किल से पढ़ा रही हूँ मैं जानती हूँ मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी ऐसा मैं सबसे कहती फिरती हूँ लेकिन तूने तो मेरी नाक ही कटा दी क्योंकि ऐसा तूने मेरे साथ अरे गहरे लड़के के साथ बेशर्मी से घूमती रहती है कलंकनी है तू कलंकनी है तू चलते ही जाके और ये इतनी छोटी सी मुझसे ही झूठ कहती है तू इसे अपने साथ बिगाड़ रही है हाँ इसे भी बिगाड़ रही है बहुत हो गया आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे आज जान से मार दूंगी तुझे मैं आज गायत्री तुम इधर आओ इस तरह मारने से कोई हल नहीं निकलेगा देखो हर एक घर में ऐसा चलता ही रहता है इसे मारने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या बाबा ये सब क्या है बेटा बाबा सॉरी बाबा जाने अनजाने में मुझे उस लड़के से प्यार हो गया सॉरी बाबा मुझे माफ कर दीजिए वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे से शादी करेगा वो आज तक मैंने जिंदगी में आपसे कुछ भी नहीं मांगा प्लीज बाबा हम दोनों को एक दूसरे से अलग मत कीजिए प्लीज बाबा प्लीज बाबा प्लीज उठो देखो बेटा जिंदगी में अपने जीवन साथी को चुनने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है अच्छी तरह सोच लो तुम अभी छोटी बच्ची नहीं रही अकल और उम्र दोनों बढ़ रही है वो लड़का अगर अच्छा और काबिल है तो मुझे कोई एतराज नहीं है ओजी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप होश में तो है ना गायत्री तुम जरा चुप रहो जिंदगी उसे काटनी है अपने जीवन साथी को चुनने का उसका हक है ठीक है उस लड़के का घर कहाँ है तो मुझे बताओ मैं खुद चलकर उसके माँ बाप से बात करूंगा हाँ क्या मास्टर जी कहाँ थे अभी तक विनय ये खून कैसे मैं गिर गया था ए, मेरे सामने कहानी मत बना सच बता क्या हुआ सच में मैं गिर गया था और कुछ नहीं ए, मैं पहले ही टेंशन में हूँ बता क्या हुआ वो नहीं तुम्हारी कसम लेकर आ जाओ देख यार क्या है तुम बहुत झूठ बोलते हो हाँ कौन है ये साला बाय बाय राजा निकाल गाड़ी लोग को नहीं छोड़ेंगे रुक जाओ नहीं यार प्लीज जो होना था हो गया मुझे मारा फिर भी मैं चुप हूँ ना जाने दो फिर हमें मत समझा मास्टर जी तेरा बाप है तू नहीं हरीश बकिया बतिया अरे जल्दी आओ दूसरे एरिया के लड़के आकर हमारे लड़कों को मार रहे हैं जल्दी चलो जल्दी आओ 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 तुम्हारी जात का
भाग मत, पूरे एरिया को लेकर आजा, सबको मार दूंगा मैं। अबे रोक, भागता कहाँ है? अबे इस एरिया का तो भाई है ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अबे तेरी तो साले, प्यार करने के लिए तेरी इज्जत देनी पड़ेगी। अबे साले, खाना खाने के लिए हाथ हटा। हर किसी को सुधारने के लिए उसका एक बाप होता है। तुम जैसों के लिए हम हैं। तुम लोग जंगली लोगों की तरह जंगल में रहते तो किसी तरह जीरो बोलकर मैं तुम लोगों को छोड़ देता, लेकिन ये तुम्हारा बैड लक है, क्योंकि तुम लोग नहा धोकर सेंट लगाकर शान वाले हाई सोसाइटी के लोगों के बीच में रहते हो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ फॉलो करना पड़ता है। यहाँ हिंसा बहुत बड़ा गुनाह है। वो हिंसा सीने की आग और हाथों का हथियार बनने से पहले हमारे डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो जाता है, हो चुका है। क्या समझ रखा है हमें? घंटी बजाकर पूजा करवाकर भगवान का दर्शन करवाकर हाथ में प्रसाद थमाने के लिए ना हम कोई पंडित है और ना ही कोई नेता। खाकी है, कल्की के रूप में होने वाले खाकी। इनके कपड़े उतार कर ले चलो इन्हें। क्या बोला? लड़कियां देखेंगी तो इज्जत चली जाएगी। क्यों रे शरीफजादे, ये सिनेमा, टीवी, पोस्टर्स, मैगजीन, नेट वगैरह में लड़कियों की इज्जत उतरती देखकर तुझे शर्म नहीं आती क्या? या पहने हुए कपड़े उतार कर इन लड़कियों को बर्बाद करने के लिए प्रोग्रेस के बारे में कभी सुना? संस्कृति की रक्षा करने वाले, लॉ की नाड़ी खोलकर उसका मजाक उड़ाने वाले, इज्जत की बात करते हो? मिस्टर रविराज सर, जानवरों को कपड़े पहने हुए कभी देखा है क्या? नहीं सर। तो इनके शरीर पर कपड़े क्यों है? उतार के ले चलो सबको। ये चल रहे। ऐसी औलाद से शुना औलाद होना ज्यादा अच्छा है। गुंडागर्दी करते फिरते ऐसे बच्चे जिनके वो माँ बाप असल नहीं करते। गुंडे लोग हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बैठो। चलो बाबा, वापस घर चलते हैं। क्यों बेटा? कुछ नहीं बाबा, चलिए वापस घर चलते हैं। अगर उसे छुड़ा लाइए ना। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर उसे जेल में बंद कर दिया तो? मैंने उसे स्कूल में डाला था, वहां उसने कुछ नहीं सीख हासिल की। अब वो वहां सब कुछ ठीक से सीख जाएगा। पुलिस की लाठी एक ऐसी चीज है जिसमें उसे सुधारने की शक्ति है। गुंडागर्दी करने वाले लोगों के साथ, मार पिटाई करने वाले लोगों के साथ वो भला कैसे सुधर सकता है? समय समय पर खिलाने वाले, प्यार करने वाले माँ बाप और हमेशा लड़ झगड़ कर मरने वाली दुनिया, दोनों के बीच अंतर जानने के बाद वो घर ही ना आए, यही आपका आखिरी फैसला है ना? तो मैं भी आपकी जिद के सामने अपने बेटे को बलि नहीं चढ़ने दूंगी, मैं खुद उसे लेकर आऊंगी। ए लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, के बेटे ने किसी का सर फोड़ा है। नमस्ते सर। 307 की धारा लगी है, जाकर कोर्ट में अपील कीजिए। मास्टर रामचंद्र जी है ना? हाँ सर। मास्टर जी, मैं हूँ आपका स्टूडेंट, पहचाना नहीं क्या? सर, स्कूल डेज के दौरान मैंने एक चोर मोनो की एक्टिंग की थी, फर्स्ट प्राइज मिला था, यही यूनिफॉर्म पहनी थी मैंने। अपने शंकर का बेटा? अजय? हाँ सर, वही अजय। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई बेटा। थैंक यू सर। अंदर चलिए ना सर। ए रविराज, दो कॉफी बोलना। आइए सर, प्लीज। ओके सर। ये कौन है पता? मेरे पिताजी हैं सर। तुम्हारे सिर्फ पिता है, लेकिन मेरी तरह लाखों लड़कों की जिंदगी बनाने वाले गुरु हैं, परम ब्रह्म हैं।
हम इनका नाम ऊंचा कर रहे हैं और तुम कीचड़ उछाल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इन घटिया लड़कों की संगत छोड़ो, कोई अच्छा सा काम ढूंढकर अच्छी राह पकड़ो। आइंदा कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ी तो जिंदगी में कभी बाहर नहीं आ पाओगे, समझे? ले जाइए मास्टर जी, और कोई काम हो तो बताइएगा। नमस्कार इंस्पेक्टर। पहचाना मैं कौन हूं? वहां नहीं मिलेंगे हम, हम ज्यादातर विधानसभा में मिलते हैं। सुना है कि आपने मेरे बेटे को अरेस्ट किया है, बहुत बुरा किया। शायद आपको पता नहीं कि वो मेरा बेटा है। कोई बात नहीं। कौन है आपका बेटा? नित्यानंद। उस पे 307 का केस है, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ जाकर छुड़ा लेना, विधानसभा के पास ही है। लेकिन ऊंची तो हमारी बिल्डिंग ही है सर जी। कोई कितना भी ऊंचा हो, सर मुंडवाने वाले को सर झुकाना ही पड़ता है। आपने मेरी बात नहीं सुनी। लीजिए, ऊंचाई आपके पास ही आ गई। हेलो। हेलो, मैं एसीपी बोल रहा हूँ। बोलिए सर। वहाँ गिरीश जी करके कोई आए है ना? हाँ सर। उनके बेटे को तुमने अरेस्ट किया, उसे छोड़ दो। सर उसपे 307 की धारा है। और भी दो तीन लड़के हैं ना, उनको अंदर करो और उसे छोड़ दो। लेकिन सर आई हैव टू। चुपचाप मैं जो कह रहा हूँ उसे करो। ओके सर। साले चोर कहीं के इन्फ्लुएंस के दम पे उड़ते रहते हैं। चा आओ साहबजादे, आपका स्वागत है। जब अच्छे थे तब घूमने के लिए हमारे बेटे नजर आते थे, और अब नफरत हो रही है ना? सुनो बच्चों, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। देखो, मैंने बेटे को बिना बताए थोड़े से पैसे जमा किए, ये ले लो और उसे जाके छुड़ा कर ले आओ। मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, क्या करूँ? मेरे पति भी मेरे बेटे को नहीं छुड़वाएंगे। मेरे पास बस यही एक चीज है, ये ले लो बेटा। अरे आंटी, आप ये सब क्यों उतार रही हैं? कोई बात नहीं, रहने दीजिए, हम उसे जरूर छुड़ा कर लाएंगे। नहीं बेटा, उसे जन्म देके जो गलती की है उसके लिए तो ये होना ही चाहिए। ये लो, इसे बेचकर किसी भी तरह उसे छुड़ा लो बेटा, ले लो। हेलो, मैं लॉयर लक्ष्मीपति उर्फ बेल सेल वाला। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, चाहे मर्डर केस हो, रेप केस हो, मैं बेल दिलवाऊंगा सर जी। ठीक है ठीक है, आइए आइए, ऑफिस में ही आ जाइए। ओहो तिलक राम जी। ओहो लक्ष्मीपति जी, नमस्कार। नमस्कार, सब ठीक है ना? आ रहा हूँ, पी रहा हूँ, जी रहा हूँ। आपका तो मजा ही मजा है। ये लीजिए, अगले सोमवार हमारे यहाँ गृह प्रवेश है, आइएगा जरूर। मुन्ना सर, इन्हें भी दो एक पोस्ट कार्ड। ये क्या है, गृह प्रवेश के कार्ड के साथ पोस्ट कार्ड भी दे रहे हैं? ओह, एक पर एक फ्री है क्या? आना होगा तो गा रहा हूँ, लिख कर भेजना। नहीं आना होगा तो नहीं गा रहा हूँ, लिख कर भेजना। आप नहीं आएंगे तो भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन चिट्ठी लिखना नहीं भूलना। लगेगा, चिट्ठी जरूर लिख देना हमें। भूल जाना। ओ रामचंद्र जी, ये सब क्या है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुन्ना सर, ये तो ठीक से बताया भी ना, अंदर चले गए। गृह प्रवेश में जाने के लिए पोस्ट कार्ड क्यों चाहिए? सिंपल सर, आऊंगा ऐसे लिखकर भेजने वाले के लिए उतना ही खाना ऑर्डर करेंगे, जो नहीं लिखेंगे उन्हें अच्छा, नहीं मिलेगा। तो फिर नहीं आऊंगा लिखकर चले गए तो? तो साथ में आपको अपना खाना घर से लाना पड़ेगा, वो नहीं खिलाएंगे। और अगर आऊंगा ऐसा लिखकर नहीं गए तो दिल में आपके पति को आपको खाना लाकर देना पड़ेगा। उसने कार्ड ही नहीं दिया ये बोलकर फाड़ कर फेंक दिया तो? बेल वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधा जेल जाना पड़ेगा। ऐसी वकालत करेंगे, जेरॉक्स उनके पास है, कार्ड संभाल कर रखिएगा। जल्दी खत्म करो ना। बस दो मिनट सर। नमस्ते सर। आ गए तुम लोग, वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ है लक्ष्मी माता? हाँ लाए सर, लाए सर, देख देख। जरूरतमंदों की देवी, मुसीबत के वक्त की साथी। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके दोस्त छूट जाएंगे, आप जाइए जाइए। ठीक है सर। लो भाई, अपना एरिया आ गया। लो आ गए गुंडे। बोलो पैसे। क्या भाई, आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो और क्या चाहिए भाई? वो एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ भाई, लेकिन उसके भाई लोग बहुत लफड़ा कर रहे हैं। आप लोग एक बार मेरे एरिया में आ जाइए भाई। परमिशन ग्रांटेड। ओके, थैंक यू भाई, चलता हूँ भाई। सलाम भाई, चलता हूँ भाई, बाद में मिलते हैं। ये सब क्या हो रहा है यार, बिना सूट के सैल्यूट कर रहे हैं और क्या? लगता है अपनी तकदीर बदल रही है बेटा। ए,
जेल में जाकर आने के बाद अपनी इज्जत बढ़ गई ली है, इसे ऐसे ही मेंटेन करो। हमारा राजधानी होटल बनाने वाले महाराजा लोग पता रहे सीक्रेट में। सलाम भाई। सलाम भाई। अगले हफ्ते करते करते कितने महीने हो गए, बस अब बहुत हो गया। अभी तकलीफ दे भाई। ए, तू निकल, चल पैसे निकल मेरे। आप कैसे? अरे सुनो तो सही बात। ये सब क्या हो रहा है? देखो ना भाई, 5,000 रुपए उधार लिए, इसे 5 महीने हो गए, जेब में पैसे रखकर रोज नई कहानी सुनाता है। नहीं भाई, अर्जेंट कुछ काम आ गया, अगले हफ्ते दे दूंगा बोल रहा हूँ तो सुनी नहीं भाई। इसे रोज जुआ खेलने की आदत है। ए, पैसे दे। वो बात नहीं है भाई। ला ला दे मेरे पैसे। ए खजूर, चल निकल। सारा कभी मेरे पैसे नहीं मिलेंगे सोचा था, आखिर में दे ही दिया। आपने पैसे दिला दिए भाई, शुक्रिया भाई। ये लीजिए भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। देखा राजा, एक ही फटका दिया और इतना सारा माल पाया। दाल है तो माल है। ए भाई देख, तेरी कॉफी डे आ रही है। ए, पकड़। मैं अभी आता हूँ। मुझे जेल पेन लेना है। हम लोग आगे चलें। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। ए सौम्या, सौम्या, ए सौम्या, ए मैं तुझे पुकार रहा हूँ और तू चुपचाप जा रही है, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? देखो मेरा रिश्ता तय हो चुका है, मेरा रास्ता छोड़ो। क्या बोले? तेरा रिश्ता तय हो गया? तू क्या जोक कर रही है क्या? जोक मारने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तेरी जात का। ए रुक जा, प्यार मेरे से करती है और शादी किसी और से करेगी, कैसी औरत है तू? तुम कौन से मर्द हो? हाँ क्या कहा? मैंने कहा तुम कहाँ के मर्द हो। ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन संभालोगे कैसे? तुम खुद ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, अपने पिता की कमाई पर जी रहे हो, मुझे कैसे पालोगे? हाँ शरीफ लड़कों की तरह पोज देते हो, प्यार जताते हो, पुलिस के हाथों से मार खाते हो, सबके सामने अंग प्रदर्शन करवाते हो और लोगों के मुंह से गालियाँ सुनते हो। ए, उसके बारे में तो बस बात हो गया। खून पसीना बहा कर अपनी मेहनत की कमाई लेकर आना, रुखी सुखी भी मिलेगी तो खुशी से तुम्हारे साथ संसार बसा लूंगी, अगर नहीं तो माँ बाप ने जिस लड़के को चुना है उसी के साथ जिंदगी बिताऊंगी। कल अगर कुछ भी होता है तो मेरे माँ बाप हमेशा मेरा साथ देंगे। मेरी शादी में 3 महीने बचे हैं, तब तक तुम बदल कर आओगी इस उम्मीद में इंतजार करूंगी। बाय। छोड़ इसकी जात का, मैं भी साला कंटाल गया हूं, पैसे के लिए किसका सर भी फोड़ना पड़े ना फोड़ दूंगा मैं। यही ना, परिवार वालों को, लड़कियों को, लोगों को, पुलिस वाले को, बार वालों को, सबको पैसा ही चाहिए। पैसे कमाऊंगा फिर उसे बताऊंगा। शादी करने वाले सिर्फ प्यार करते हैं, रूखी सूखी खाकर झोपड़े में रहकर भी एक साथ रहने की इच्छा रखते हैं, पैसे नहीं मांगते। सही कह रहा है भाई। उसे उसे उठाकर लाऊंगा, उसके मुंह में पैसे ठूसूंगा और बोलूंगा कि तू पत्नी बनने के लायक नहीं, बनने के लायक है। ए जग्गो, एक और पैक बोल। राजा पैसे नहीं है यार, जितने हैं वो बिल में ही खत्म हो जाएंगे। देखा ना, हर चीज के लिए साला पैसा 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 चाहिए। ए, आज के बाद कोई चुप नहीं बैठेगा, सिर्फ पैसों के पीछे पड़ गए। पहले ऐसा बार खरीदेंगे। ओए, किसी और का ऑर्डर यहाँ क्यों रख रहे हो? हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। आपको देने के लिए उन्होंने कहा है सर। हेलो बॉयज, कैरी ऑन कैरी ऑन। ओए मामो, कौन है बे वो? कभी कभार बार में आते रहते हैं, कौन है क्या पता। ए, वो चाहे कोई भी हो हमें उससे क्या है, साल दो साल में कभी कभार तो ऐसे ग्राहक हमको मिलते ही रहते हैं। फिलहाल तो यहाँ अपने मुकद्दर का सिकंदर है, चुपचाप घटक लो भाई, इसके जात का जरूरत पड़ने पर थैंक्स बोल के निकल लेंगे। आए आए आए। नहीं यार, हे अपने पास पैसे नहीं है ये बात उसको आखिर कैसे पता चली है? ओए, माइक पकड़कर नेताओं की तरह गला फाड़ोगे तो उसको क्या, सारी दुनिया को पता चल जाएगा। अपने बात। हेलो बॉयज, हाउ आर यू? ज्यादा सोचो मत, तंदूरी लेमन चिकन बहुत बढ़िया है, एंजॉय करो। आ, आ,
हेलो, ये मेरा कार्ड है, सुबह फोन करना। गुड नाइट बॉयज, गुड नाइट ऑल। थैंक यू बॉस, थैंक यू, गुड नाइट। क्या यार, पता नहीं हमें देखकर उसे क्या महसूस हुआ होगा। बेटा उसका नाम क्या है देख? ये क्या यार, उसका नाम ही नहीं है, सिर्फ नंबर लिखा है। लगता है प्रिंट विंट करना भूल गया है वो, या शायद उसके माँ बाप ने उसका नाम ही नहीं रखा होगा। ओए, ये फैशन है यार, आदमी ही एक नंबर है। क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए बनाया गया है ये प्लान। इसके बारे में जानना है ना तो फोन कर लो, पता चल जाएगा। विनय, आइडिया जबरदस्त है यार, हमें इस आदमी से हर हाल में मिलना ही होगा। मेरा नाम मनोहर है। पीने के बाद लोग सच बोलते हैं ऐसा कहते हैं, इसलिए मैं कई बार बार में बैठे हुए पीते हुए लोगों की बातें सुनता रहता हूं। जो जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना रखते हैं उनकी मदद करता हूं। टीचर लोगों का भी मसीहा होता है, ये आज पता चला बॉस। अगर आप हमारी मदद करोगे तो अपन आपका मंदिर बनवाकर अपन अपने हाथ से आपका आरती रोज उतारेंगे बॉस। उससे पहले तुम लोगों को भी मेरी एक मदद करनी होगी। 50 लाख दूंगा। 50 लाख रुपए? राजा, किसी लड़की का हमारे हाथों रेप करवाकर यह पिक्चर बनाने का प्लान तो नहीं है? पूछता हूँ। रुक सर, कहीं आप हमसे भगवान का पिक्चर तो नहीं बनाना चाहते? बनाना तो चाहता हूँ, लेकिन भगवान या भूत की फिल्म नहीं, अंडरवर्ल्ड की। लगता है राम गोपाल वर्मा का भूत इस पे सवार हो गया है। किसी का मर्डर करना है। मर्डर करना है? ओए, चलो रे, इसकी बात सुनेंगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। चलो नजर, लॉटरी लक जैसी चीजें जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मेहरबान होती हैं। हेलो, हम सुपारी किलर नहीं है। उस लिस्ट में तुम लोगों का नाम नहीं आएगा। उस लिस्ट में अभी हमारा नाम नहीं है, उसे मिटाने की कोई जरूरत नहीं हमें। एक बार सोच के देखो प्लीज। ओए, चलो रे, पागलों की तरह बीवी क्या खड़े हो, चलो ये चल रहे। सोच के बताना, मेरा नंबर तुम लोगों के पास है। एक बार जेल जाकर क्या आ गए, हमें सुपारी किलर समझने लगा साला। साला वो पैसा देगा और हम लोग मर्डर कर देंगे। अरे तुम लोगों को तो कम से कम समझ। क्या हुआ, किस ख्याल में डूब गए हो तुम लोग? हम 50 लाख के बारे में सोच रहे हैं। ए, तुम लोगों का दिमाग में खराब तो नहीं हो गया? उसने जरा सा कह दिया और तुम लोग उसी के बारे में सोच रहे हो? पहले दिमाग से बात निकाल दो, मर्डर करने चले। मर्डर क्यों नहीं करना चाहिए? क्या कहा? क्यों नहीं करना चाहिए कह रहा हूँ। विनय, रोज चाय सिगरेट के लिए भट्ट के ताने सुनने पड़ते हैं, घर जाने पर माँ बाप की बातें सुननी पड़ती है, सब हमें निकम्मे कामचोर कहते हैं। और इसकी मुझे संभालने की कैपेसिटी है क्या तुम्हें ये पूछती है? इसका कोई जवाब है तेरे पास? हम मेहनत करके अपनी जिंदगी आसानी से बना लेंगे, ऐसी कोई डिग्री है हमारे पास? सुबह से शाम तक काम करके 2 रुपए भी नहीं कमा पाते हम, उससे ज्यादा तो पीने में चला जाता है। और ये पेट, पेट के लिए क्या करेंगे? विनय, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे का काम है और बदले में 50 लाख मिलेंगे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अरे को 10-10 लाख मिलेगा तो मतलब सबकी जिंदगी सेटल हो जाएगी यार। हेलो पागलों जैसी बात मत कर, सिर्फ पैसों का मुंह मत देख यार, जिंदगी के बारे में भी सोच। पैसा गया तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन जान चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। मर्डर करना क्या बच्चों का खेल समझ कर रखा है? देख बेकार में मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप बैठ जा। क्या समझ कर रखा तूने? तेरा बाप मास्टर है इसलिए हम लोगों को पाठ पढ़ाने चला है। तू अपने घर की हालत के बारे में सोचा है कभी तूने? तेरी बहन 25 साल की हो गई है, अभी तक उसकी शादी नहीं हो सकी। तेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि दहेज देकर शादी करवा सके, और बिना दहेज के शादी करे ऐसा दुनिया में कोई मर्द नहीं है, समझा क्या तू? ए मास्टर सोच ले, अगर हम ये काम कर लेंगे तो तेरी बहन की शादी फॉरेन रिटर्न लड़के के साथ बड़ी धूमधाम से कर सकते हैं। इंसान के अंदर इंसानियत होना बहुत जरूरी है। साले समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? समझने की कोशिश कर भाई, इस दुनिया में पैसे पैसे होने चाहिए। अबे साले पैसे होंगे तो पूरी दुनिया हमें सलाम सलाम ठोकेगी पता है, नहीं तो कचरा समझकर हमें कहीं भी उठाकर फेंकती रहेगी। अबे साले, हर एक को 10-10 लाख रुपए कम है क्या? रोज 2-4 लड़कियों के साथ घूम सकते हैं, चुपचाप मान जा साले। देखो अगर तुम लोग ये घटिया काम करोगे तो मैं तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूर हो जाऊंगा। सोच लो, तुम्हें मेरी जरूरत है या पैसों की? ए राजा, तू ही बता, तुझे मेरी जरूरत है या पैसों की? बोला ना तुझे, हमें पैसे चाहिए पैसे।
देख राजा, अगर तू कुछ नहीं बोला ना तो मैं चला जाऊंगा। हमें पैसे चाहिए पैसे। इंसान को पैसे कमाने चाहिए, न कि पैसे इंसान को, याद रखना। आए, क्या सोच रहा है? मैंने अपना वादा पूरा किया, ये रहे पूरे 50 लाख। गुड जॉब, वेल डन, एंजॉय करो, एंजॉय करो, बाय। हमें धन्य वन्य माल मिला और हरा हरा नोट मिला राजा। हमें धन्य वन्य माल मिला और हरा हरा नोट मिला। ऐश करो मजे करो, कैश अपने पास है यारो। ऐश करो मजे करो, कैश अपने पास है यारो। खुशियां नोटों से है यारो, दुनिया पैसे की है यारो। Everybody say, give me money, give me money, give me, give me the money, 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 money. Now that I got it, let's go, honey, let's go, honey. Let me show you the funny. Yeah, yeah, money, 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 money. Na 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 na
Ashes in the hospital. You wanna do it, do it. They gotta come along. You wanna do it, do it. Everybody. Mere dil mein bas jana, ye meri tamanna. Sweetheart meri, ho jana, ho meri jaane ja. Kal tak ghumne Kolkata, ghumenge ab hum America. Jeene ka apna hai tarika, problem nahi hai mani ka. Ae haseeno mahjabino, nakhra humko dikhana na. Dada bila malya se kam, samjhe na koi humko sa. अभी तक हम लोग सपना देख रहे थे क्या? भट्ट का फोन है। बात क्या है पूछ? हाँ बोलिए भट्ट जी। ए, तुम लोग ने क्या कर दिया हाँ? तुम लोग खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार कर बैठ गए। तुम लोगों में अकल है कि नहीं? क्या हुआ? हे भगवान, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं राजा? तुम लोग जिसे मारा है वो कौन है पता भी है तुम्हें कुछ? वो मुंबई का बहुत बड़ा गुंडा है, डेंजर महादेव है राजा। ऑटो शंकर है ना, वो ही इसका आई विटनेस है। उसका टीवी 9 में फोटो आएगा, इसलिए पुलिस वालों को उसने सब कुछ बता दिया। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। अब मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अगर तुम लोग पुलिस वालों के हाथ लगे तो बच जाओगे, और अगर डेंजर महादेव के आदमियों के हाथ लगे तो समझ जाओ वो लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। देखो अब तुम लोग एक काम करो, तुम लोग वहीं पर रुको, मैं फिर फोन करूंगा, वहां से हिलना मत, यही ठीक है। ए, क्या हुआ? ए, हमने जिसका मर्डर किया वो बहुत बड़ा गुंडा महादेव था। राजा जल्दबाजी में वो कौन है ये जाने बिना ही उसे मार डाला यार। ए, उस साल ने में हमको कुछ नहीं बताया। राजा मनोहर को फोन लगा जल्दी। क्या हुआ? उठा नहीं रहा है। शायद पैसे लेकर आ रहा होगा, ट्रैफिक में रिंग सुनाई नहीं दे रही होगी, एक बार और ट्राई करके देखना। हाँ कर राजा कर। इसकी माँ का हेलो। हेलो सर, मैं रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रही हूँ। इससे पहले कभी आपने लाइफ इंश्योरेंस निकलवाया है क्या? नहीं, जिसने निकाला उसका गेम बजा डाला साली। रख राजा, एक बार और ट्राई कर, अपने हाथ से ट्राई कर, वो जरूर आएगा।
ए भगवान, अरे फोन उठा ले यार, ट्रैकर ट्रैकर प्लीज प्लीज यार। क्या हुआ क्या हुआ? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त पहुंच के बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। इसकी जात का तेरे की, हमारा इंटरवल करके पता नहीं कहाँ कॉफी पी रहा होगा। नाथ काशीनाथ वाडेकर, ये क्या मुन्ना, गृह प्रवेश के दिन 10 लोग मिसिंग नजर आ रहे हैं, गाने वाले को मिलाकर 11 हुए। नमस्ते लक्ष्मीपति जी, गृह प्रवेश के दिन मैं नहीं आ पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन आप आएंगे ऐसा चिट्ठी में लिखकर भेजा था। हाँ भेजा तो था, लेकिन क्या हुआ उस दिन मेरी दादी मर गई, मुझे गांव जाना पड़ा। वो सब मैं नहीं जानता मुन्ना। रेडी सर, ये लीजिए आपका खाना। मैं खाना खाकर ही आया हूँ, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है। कोई बात नहीं, ले लीजिए। अच्छा ये क्या है, सड़े हुए अंडे की तरह बात मार रहा है, कितने सारे कीड़े पड़ गए हैं, और ये क्या झिंगुर बिरयानी, एक हफ्ते पहले का है, आपके लिए निकाल कर रखा था, खा लीजिए। ये खा लिया तो मैं सीधा ऊपर चला जाऊंगा। तुम कहीं भी जाओ लेकिन इसे खाने के बाद ही जाना, नहीं तो बहुत बड़ा केस थोप दूंगा तुम पर, ये मेरे खून पसीने की कमाई है, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो केस नहीं, नहीं नहीं, खाता हूँ खाता हूँ। कौन? नमस्ते सर, तुम सब लोग इधर छुपे हो क्या? पहले मुझे तुम लोगों को थैंक यू कहना चाहिए, अपना हाथ दो। थैंक यू थैंक यू थैंक साहब। महादेव को तुम लोगों ने टपका दिया ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने भी दो चार गैंग को आइडिया दिया था, साले डरपोक निकले, शेर का नाम सुनते ही गीदड़ की तरह भाग गए। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा स्टाइल क्या है? अमर अकबर एंथोनी। ओह देसी मिर्च मसाला है, बहुत ही खतरनाक है, वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी फाइन, तुम जैसे लोगों के लिए ही तो मैं बना हूँ। तुम लोग आगे बढ़ते रहो, अब तुम सबको सिर्फ बेल ही काफी है, या तुम लोग कोई भी इस केस में नहीं है ऐसा साबित करो। मतलब अब कुछ भी कर सकते हैं क्या सर? ओह इस दुनिया का ज्ञान सिर्फ दो ही लोगों को प्राप्त है, एक पुलिस वालों को और दूसरा मुझे, अब मेरा मतलब है कि मेरे जैसे सुपर वकीलों को। सर हमारे से कोई वास्ता नहीं, ऐसा कुछ कर दीजिए, यही सही रहेगा है ना? हाँ सर। इसके लिए 10 लाख रुपए खर्च होंगे, चलेगा ना? 10 लाख? हाँ, इस मर्डर का आई विटनेस है, सबका मुंह बंद करने के लिए कितना खर्चा होगा ये तुम लोग सोचो। तुम लोगों के साथ बैठकर बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जैसे बहुत से लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ इस फील्ड को इसी तरह मेंटेन करके रखना, क्योंकि यहाँ से जाने वाला रास्ता कामयाबी तक जाता है, चलते चलते रास्ते पर मिलने वाला सुख बटोरते रहना चाहिए। मेरी जरूरत पड़े तो मेरा नंबर भरजी के पास है, मिल जाएगा। भरजी लड़कों को मेरा नंबर दे देना, अब मैं चलता हूँ। एक नहीं दो नहीं पूरे 10 लाख रुपए, राजा कहाँ से लाएंगे यार? घर से तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। थू ए, तुम लोग इस तरह से मत देखो मुझे, अरे मैं कोई करोड़पति हूँ क्या? मेरे पास मुश्किल से कुल मिलाकर 75,000 होगा, 1 लाख जमा होगा बस, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है दोस्तों, अगर तुम लोग मानोगे तो। वो क्या है बताओ ना। वो क्या है ना, हमारे बैंक का एक आदमी पिकनिक कलेक्ट करने वाला, हफ्ते में 10 लाख रुपए भरता है। अगर ये काम कर दिया अब जो किया वो बस नहीं हुआ क्या? आप चाहते हैं हम उसकी भी जान ले? मजबूरी है, तुम लोगों को अपनी जान जो बचानी है। धत तेरे की, ये कौन सी नई मुसीबत में फंस गए हम यार? एक तरफ भयंकर आग है तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। वो कौन सी बैंक है भट्ट भाई?
शाबाश, डेयरिंग बोले तो इसको कहते हैं, किसी के अंदर भी इतनी डेयरिंग नहीं है। तुम लोगों ने तो सबको मात दे दी। लेवल बोले तो ऐसा ही होना चाहिए, इसे ऐसे ही मेंटेन रखना। क्या रखना? मेंटेन। हाँ सर, केस विश्वास करोगे क्या? कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम लोग बहुत बड़े 30 मार्क हो, इसका अंदाजा मुझे पहले से ही हो चुका था। मैंने कोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं। तुम लोग कल ठीक 12 बजे कोर्ट में हाजिर हो जाना, आजादी से घूम फिर सकोगे। आजादी से ऐसा काम किया है मैंने। क्या किया है? हम सब आजादी से घूम सकेंगे, ऐसा काम करेंगे। यस सर, वो जो आई विटनेस है ना, वो बुरा बोलना नहीं चाहिए, बुरा सुनना नहीं चाहिए, बुरा देखना नहीं चाहिए। ये तीनों कर पाओगे क्या? नेत्रदान महादान होता है, आंखें दान करोगे या उसे खाना पसंद करोगे? इतना काफी है या और कुछ जानना है? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? सर, चोरों का भी भगवान होता है, ये बात हमें पता नहीं थी सर। मैं आपके नाम का एक मंदिर बनवा कर अपने हाथों से रोज उसमें आरती उतारूंगा सर। उससे पहले तुम लोगों को एक काम करना होगा, कोर्ट तुम लोगों को बरी ही कर देगा, लेकिन तुम लोगों पर जो शक है उसे दूर करने के लिए तुम्हें पुलिस के हवाले करेगा कोर्ट, और तब बिना कोई गलती के जो मैं बताऊं बस उनके सामने वही बोलना। जरा सी भी गलती की तो वो तुम्हारा मंदिर बनवाकर तुम्हारी आरती उतारेंगे। बोलो बोलो स्वामी के पिल्लो, डेंजर महादेव का खून क्यों किया? बोलो बोलो, क्यों उसका खून किया? बोलो बोलो सालो। ठीक है साहब, हम लोग उस दिन पाटलिपुत्र में थे सर, हमारी काल भी खींचा। जो करना तो करके हम नाटक करे हैं, कानून तुम लोगों को खेल लगता है। हे रविराज, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, लेकर आ मिर्ची का पाउडर। नहीं सर, एसी की साहब का फोन है, मारो सालों को। सर क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं वो लड़के? डंडे का जोर आज मार रहा हूँ सर, थोड़ी देर में सच उगलेंगे सर। वो सब रहने दो, रे रोड पे जो ढाबा है वहाँ लेकर के आओ। लेकिन सर, एक कोर्ट का ऑर्डर है सर। कोर्ट की कहानी छोड़ो और मेरी कहानी सुनो, फालतू की बकवास छोड़ो और उन्हें वहाँ लेकर आओ। ओके सर। अजय, उन लड़कों को इसी वक्त छोड़ दो। सर, कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है, पूछताछ करके रिपोर्ट भिजवाओ, इतना ही है ना। उन लड़कों पर हमने बेकार में शक किया, वो लड़के बेकसूर हैं ऐसा लिखकर भिजवा दो, ठीक है? सर, सच क्या है आप भी जानते हैं, सच उगलवा कर केस फाइल करेंगे सर। सच क्या है ये पब्लिक को भी पता होता है, फिर भी कोई किसी के खिलाफ मुंह खोलता है क्या? पेपर पढ़कर स्ट्राइक करके जिंदगी बिता देते हैं, लेकर जाओ इन्हें। थैंक यू सर, चलता हूँ। अजय, अगर वो लड़के बिगड़े हुए नहीं होते तो उस बिगड़े हुए आदमी को ये लोग मार पाते क्या? और वैसे भी मर्डर किसका हुआ है, वो महात्मा गांधी था क्या? साला इस सोसाइटी का कचरा था। सच कहे तो हमें मारना चाहिए था उसे, मगर नहीं मारा, इन लड़कों ने उसे मार डाला। कल इन सालों को कोई और दुड़का देगा, इतनी सी बात के लिए क्यों अपना माथा फोड़ रहा है? मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। मेरा नाम शांतिलाल है, मेरा मार्केट में 40 करोड़ रुपया फंसा है। सात लोग पैसा पूछने पर हमेशा नाटक करते हैं। तुम लोग मेरा पैसा अगर वसूल करके दोगे तो मैं 25% दूंगा, मतलब पूरा 10 करोड़ रुपया। तुम लोगों में वो बात है, वो जोश है, ऐसा मुझे एसीपी ने बताया था। 3 लाख रुपए एडवांस, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। ये मेरी लिस्ट है, फोन नंबर और एड्रेस इसमें लिखा है, कौन कौन कितना देने का वो भी पूरा इसमें लिखा है। अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए तो हमसे पूछना, हम दे देंगे, लेकिन वसूली करना मत भूलना। वो पैसे आपके नहीं सेठ, हमारे हैं, ऐसा सोचकर वसूल करेंगे।
स्वामी शरणम मयप्पा, मैं ये नहीं कहता कि पैसे नहीं दूंगा, मैं कहता हूँ कि आप लोग मुझे छू नहीं सकते क्योंकि मैंने माला पहनी है, मंदिर से लौट कर दूंगा ना। अरे साले नौटंकी, बेटे हम आ रहे हैं जानकर ये पोशाक पहन के बैठ गया नौटंकी कहीं का? सीधा मंदिर ले जाकर स्वामी जी की सेवा करवाते हैं। स्वामी, 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 ये जो फर्नीचर है ना ये सब मलेशिया का है और ये जो कांच की चीजें दिख रही है ना वो सब हांगकांग की है। अच्छा है ना, अच्छा है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। भाई आज के बाद तुम्हें हमारे साथ रहने की जरूरत। ऐसा क्यों लाजा? ए, होटल बनवा कर दे दिया, अब इसे आराम से चला कर जिंदगी सेटल कर ले। ये होई ना बस, हो गया ना। भट भाई हमें कुछ नहीं मिलेगा क्या? अरे क्या चाहिए तुझे, खाली आवाज कर, जो भी चाहिए मिल जाएगा। ए वेटर जल्दी से धरा, क्या लोगे तुम लोग, कुछ पियोगे? राजू तू क्या कर रहा है यहाँ? अपने आदर्शों पर चलने वाले और क्या करेंगे बोलो, कूली का काम, मैं यहाँ पर वेटर हूँ यार। क्या पागल जैसी बातें कर रहा है, तुम मुझसे आकर मिलते तो मैं क्या तुम्हें मैनेजर की नौकरी नहीं देता? पागल कहीं का, देखो तो कैसी देखो तो कैसी बातें कर रहा है। ए, किताबों का पाठ पढ़ने से ऐसा ही होता है, आज दुनिया में जीना है तो चाहिए तेरे पास पैसा, पैसा। कह रहा है तेरे बाप के जमाने में जीने के लिए पसीना बहाने से काम चल जाता था, लेकिन आज खून खून बहाना पड़ता है। ए राजा, इसको समझा के कोई फायदा नहीं होने वाला, इसको वेटर बन के ही जीने देना। नहीं यार, अपने बाप की बात सुन सुन कर मैं भी अपने बाप की तरह बन गया, लेकिन आज के बाद ऐसे नहीं जीऊंगा। तो फिर कैसे जिएगा? दोस्तों मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा। ले पैसा ना लाइन में। टाइट टाइट फुल टाइट डांस कर लो, ऐश कर लो, नाइट नाइट मिड नाइट नहीं पता क्या रॉन्ग राइट। दिल चले हम दिल चले, टल्ली हुए हम दिल चले, सर फिरे हम सर फिरे, हम है आशिक सर फिरे। दिल चले हम दिल चले, टल्ली हुए हम दिल चले, सर फिरे हम सर फिरे, हम है आशिक सर फिरे। टाइट टाइट बुल टाइट डांस कर लो, ऐश कर लो, नाइट नाइट मिड नाइट नहीं पता क्या रॉन्ग राइट। पीने का मौज मनाने का शौक है अपना बेड़ो, जीने का मरने का कल का किसी को पता नहीं है रे बेड़ो। अरे बच्चा मरना तो एक दिन सबको है, आज ही मजा कर ले। खाली पी जो हमको देगा टेंशन उसको सबक सिखा देंगे, आटे दल का भाव साला उसको हम तो एक दिन बता देंगे रे।
गुलाबी है तेरे, धक धक करता है ये दिल तेरे, अंगों को छूके देखो जलवा पास तू मेरे, ये हुस्न है शोला, ये तेरी नजर में है जादू, मेरा होंठ नशे का है प्यारा, तुझे चूर नशे में बेहतर डूबिल हुस्न का जा, पिला दे जाना आजा रे राजा, जो भी है चाहा हमने हासिल वो ही किया, अपने स्टाइल में ही लाइफ को है जिया, वो तेरी अदाओं ने हमें धीरे धीरे है मार दिया, टाइट टाइट फुल टाइट, डांस कर लो ऐश कर लो, नाइट नाइट मिड नाइट, नहीं पता क्या रॉन्ग राइट, फुल टाइट डांस कर लो ऐश कर लो, नाइट नाइट मिड नाइट, नहीं पता क्या रॉन्ग राइट, दिल चले हम दिल चले, कल हुए हम दिल चले, सर फिरे हम सर फिरे, हम है आशिक सर फिरे, दिल चले हम दिल चले, कल हुए हम दिल चले, सर फिरे हम सर फिरे, हम है आशिक सर फिरे। ओए यार मजा आ गया। ए मारियो यहाँ देख कौन है, साला मिल गया धोखेबाज, साले को इधर ही ठोक देता हूँ। ए रुक जा, चूक गया तो हाथ से निकल जाएगा साला। ए उसको फॉलो कर। ए लर्निंग वाले को लाइसेंस देते और ये कहीं भी गाड़ी रोक के खड़ी कर देते, कौन है बेटू? बीच रास्ते में गाड़ी रोकती, अंकल नाम की चीज़ के तेरे पास? बोल। साले हमसे मर्डर करवा कर हमें धोखा दे दिया तेरी जात का। क्यों बे? 50 लाख तुमका बोलकर उड़न छू हो गया साले, आज तू नहीं बचेगा कुत्ते की औलाद। की जात का आज हाथ में है साले को यही छोड़ देता हूँ मैं। तूने ऐसा क्यों किया बता, नहीं तो जान से मार दूंगा। मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे प्लीज। hey, अगर तूने सच नहीं बोला ना तो माँ कसम तेरे साथ साथ उन्हें भी जिंदा जला दूंगा मैं। बता दो तुम लोगों को धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे किसी और ने काम सौंपा था, उसने मुझे भी डबल क्रॉस किया। तुझे हम येड़े दिखते हैं क्या साले, कहानी बना रहा है। मेरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, तुमको धोखा देने वाला वो अन्ना है। कौन? फिल्म एक्टर रजनीकांत क्या? नहीं XML अन्ना। अरे यहाँ पर मेरा इतना बड़ा दिवाला निकल गया है और तुझे दिवाली की पड़ी है? 10 लाख रुपए के लिए दिमाग खाने आ जाता है? अरे इस इलेक्शन में मेरा कितना नुकसान हुआ है तुझे पता है कुछ? 20 करोड़ रुपए का। हाँ, इस एरिया के लोग आए खाए और चले गए, टीवी साड़ी सब कुछ उतार कर ले गए, सर पर बहुत बड़ा पत्थर डाल कर चले गए। मगर जीत जाता तो कहानी कुछ और ही होती, चुटकी चुटकी में मैं तेरा काम कर देता। सबर करो, कर दूंगा, कहता हूँ ना कर दूंगा। टेंजर भाई मैं खुद ही आपको फोन करने वाला था। क्यों बेकार में रील छोड़ रहा है, फोन करता हूँ तो फोन नहीं उठाता, फोन काट रहा था तू? नहीं भाई नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये घटिया खेल मेरे साथ मत खेलना MLA, मैं कौन हूँ तुझे पता है ना? डेंजर, इलेक्शन के लिए मुझसे 2 करोड़ रुपए लिए थे ना, तो अभी इसी वक्त चाहिए मुझे। माधे भाई आपको तो मालूम ही है, अपोजिशन पार्टी ने मिलकर मुझे हरा दिया है,
500 वोट के अंतर से हारने का मतलब क्या है? मेरी पूरी पूंजी इलेक्शन में चली गई है, मेरी हालत फटे होल की तरह हो गई है। 6 महीने का टाइम दे दो, दे दूंगा बस 6 महीने का टाइम बस। इस डेंजर महादेव को टाइम देने की आदत नहीं है। खैर XML हो, इसलिए मैं तुम्हें 6 दिन का वक्त देता हूँ। 7वें दिन मैं बात नहीं करूंगा, शोले शोले बरसाऊंगा। क्या उसे मारने का प्लान मैं बनाऊं? क्या सर, पूरी मुंबई के गुंडे उसका नाम सुनते कांपने लगते, ऐसे में मैं उसे? तुम मेरी बात नहीं समझे, मुंबई के गुंडे इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम एक काम करो, नए लड़कों को ढूंढो, उसके बाद तुम लोग मुझे बार में नजर आए, मर्डर भी हो गया। अरे भाई, तुम्हें 50 लाख रुपए देने के बदले मैं उसी को 50 लाख रुपए देकर उसी से मांड वाली कर सकता हूँ ना। बहुत मजाक करते हो। बहुत ही मजाकिया स्वभाव के हैं आप। बस कीजिए, आप पर भरोसा करके उन लड़कों को 50 लाख की लालच दिखाकर आपका काम करवाया। अगर आप सीधी तरह मुझे पैसे नहीं देंगे तो कल आपकी कहानी पेपर में छपेगी, याद रखना। मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा डेंजर महादेव को टपका डाला तो मैं किस खेत की मूली हूँ? यही सच है। अगर तेरी बात झूठ निकले। नहीं ब्रदर, मेरे सर की कसम है सच है। उसका एड्रेस बता। कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? मैं खाना खाते वक्त किसी से बात नहीं करता और ना ही किसी की कोई बात सुनता हूँ। हड्डी चबाते वक्त एक कुत्ता भी किसी को बुलाने पर पलट कर नहीं देगा। चिल्ला मत साला कुत्ता, दोबारा चिल्लाए तो जान से हाथ धो बैठेगा। अब कान खोलकर सुन, कॉन्ट्रैक्टर मनोहर को 50 लाख देने की बात करके उस महादेव का तूने मर्डर करवाया ना, तेरी उस साजिश का हम लोग शिकार हुए थे। उस वक्त कीमत 50 लाख थी, अब ब्याज मिलाकर 1 करोड़ हो गई है। वो भी 3 दिनों में देना होगा। टाइम दिया तो साला ये फिर से कोई नया खेल खेलेगा। साला बड़ा ही। ए, जाने दे, टाइम देकर मारेंगे। ए, हम तुझे 3 दिन की मोहलत देते हैं, तब तक 1 करोड़ का बंदोबस्त कर देना, नहीं तो सब तुझे XML अन्ना बुलाने के बजाय स्वर्गीय अन्ना कहेंगे, समझा? याद रखना। क्या भाई, ये साले लोग अभी को टाइम देकर जा रहे हैं? सिर्फ घड़ी पहनने वाले लोग घड़ी के फैक्ट्री के मालिक को कभी टाइम दे सकते हैं क्या? अंडे से निकलकर सालों ने अभी तक दुनिया नहीं देखी है ठीक से, और मुझे धमकी दे रहे हैं। मुझे टाइम देना भी आता है और टाइम छीनना भी। तुम दोनों दोस्त हो क्या? उम्र कितनी है? ये 14 साल का और मैं 12 का। तू झूठ बोलेगी तो हम भी झूठ बोलेंगे, जूट बोलेंगे। ना बोल। राजा, मुझ पर और जग्गी पर अचानक बेसमेंट में हमला हो गया है। हमला? ए, चलो चलो। XML के आदमी है यार, साले को जिंदा छोड़कर हमने बहुत। जग्गू कहाँ है? जग्गी कहाँ है? ढूंढ उसे। जग्गू, 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 ए जग्गू, जग्गू कहाँ है तू? जग्गू, जग्गू,
जग्गू क्या हो गया? जग्गू 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 ये क्या हो गया? जग्गू 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 चलो चलो पुलिस आ रही है, चलो यहाँ से, चलो जल्दी भागो, जल्दी चलो पुलिस आ रही है, चलो यहाँ से, चलो राजा चलो। हे भगवान मेरा बच्चा, शांति बेटा मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे गहने भी नहीं चाहिए, टूट जा बेटा, टूट जा, अपनी माँ से बात कर बेटा, शांत हो जाइए शांति बहन, शांत हो। वो जब लाकर देता रहा था तुमने बहुत मजा किए, कहाँ से लाया, कैसे लाया, पूछती उसे पिट पिट कर सही रास्ता दिखाती तो आज ये जिंदा होता, अब रोने धोने से बेटा वापस आएगा क्या? शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को शांति बहन। क्यों आयो यहाँ, क्या देखने आयो, बोलो क्या देखने आयो यहाँ पे, ये फूलों का माला उस पे चढ़ाने आयो तो चढ़ाओ, चढ़ाओ ना, मेरे भोले भाले बेटे को तुम लोगों ने बिगाड़ा है, तुम लोगों ने उसे शराब की आदत डलवाई है, मेरे बेटे को मारकर तुम लोगों का बेटा हजारों साल जिएगा क्या? वो भी मरेगा, देख लेना, ये मेरा अभिशाप है, नहीं, देख लो नहीं, मेरा बेटा कम से कम यहाँ लाश बनकर सोया पड़ा है, लेकिन तुम लोगों का बेटा तुम लोगों को नहीं मिलेगा, उसके लाश को चील कौवे खा जाएंगे, कुत्ते नोच नोच के खाएंगे, कुत्ते नोच नोच के खाएंगे, हाँ ये इस माँ की बद्दुआ है, कुत्ते नोच नोच के खाएंगे तुम्हारे बेटे को। और अरे 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 बाप रे, इतने सारे पैसे, तुम्हारा तो कोई पिछला हिसाब बाकी नहीं है, फिर से कोई मर्डर वगैरह किया है क्या? नहीं, बहुत जल्द करने वाले हैं, ये बेल के लिए एडवांस है, 25 लाख है। मतलब सुपारी लिया है क्या? हाँ, इसे कहते हैं बढ़िया व्यवहार, वेरी गुड वेरी गुड। अब किसे टपकाने का प्लान है? अन्ना को मारना है। क्या अन्ना को मारना है क्या? उस कमीने को मारने के बाद ही जग्गू की आत्मा को शांति मिलेगी। ए, अपने गुस्से को ठंडा करो, इसलिए जल्दबाजी में उस पर कहीं हमला मत कर देना, उस कमीने को मारना इतना आसान नहीं है, वो XMLA है, XMLA, बहुत ही कमीना है वो, उसे मारना इतना आसान नहीं है। एक मिनट भाई जी, लिफ्ट में खाली 3 लोग, आप लोग ऊपर चढ़ के आइए, ऊपर सीढ़ियों से आइए सर जी, आइए आइए। ओए लिफ्ट पाजी, चलो चलो लिफ्ट पाजी, चलो चलो। जय हिंद पाजी। हे 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 हे,
राजा कहाँ है? पता नहीं। आपने नेहरू या गांधी नहीं पैदा किया? लोगों का खून बहाने वाला शैतान है वो। आप उसकी जिंदगी आबाद होते देखना चाहते हैं? वो कईयों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपका बेटा होने के नाते आप उसको बचा रहे हैं, ये सही नहीं है। आपको नहीं लगता उसके टुकड़े कर देना चाहिए था? आप पुलिस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लॉयर नहीं है, किसान नहीं है, चाटा मारकर समझा नहीं सकते, माँ बाप नहीं है, तो कौन है आप लोग? हाँ, मैं 24 घंटे की मोहलत देता हूं, उसे मेरे पास लाकर कम से कम अच्छे माँ बाप कहलाइए। अगर हम अपनी औकात पर उतर गए ना तो। मैं भी किसी का बेटा हूं, इसलिए प्यार से समझा रहा हूं। बहुत बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेगी। 9 महीने जो तकलीफें उठाए वो कुछ भी नहीं ऐसा लगेगा। इस महाशय को यहाँ क्यों लेकर आया है? पैसा चाहिए क्या? पूछ इसे। खून बहाए हुए पैसों की कमाई से जिंदगी जीने वाला आदमी नहीं हूँ मैं। पुलिस के चमचे हैं क्या आप? उन्होंने आकर 2 बातें सुनाई तो अकल ठिकाने आ गई। अरे मेरी इज्जत चली जाएगी, कल लोग मेरे पर छी थू करेंगे, इसलिए आ गया मेरे सामने रोता हुआ मुंह लेकर। तो और क्या करता तू? ऐसा निकलेगा ये किस को पता? मुझे ऐसा बनने पर मजबूर करने वाला कोई और नहीं, आप हैं। ये तू क्या कह रहा है? हा? आज तू जिस मुकाम पर खड़ा है उसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? मैंने तुझे जन्म दिया, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरे लिए मैं जन्म दिया, पाला पोसा बोलकर क्यों इतना मुंह फाड़ रहे हो? कुत्ते भी जन्म देते हैं, जन्म देते ही लात मारकर भगा नहीं देते, दूध पिलाकर पाल पोस कर बड़ा करते हैं। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। ये तेरी किस्मत है, हमने दिन रात मेहनत करके तुझे पेट भर के खाना खिलाया, ढेर सारे कपड़े दिलवाए, स्कूल की फीस भरी, तेरे हाथ में पॉकेट मनी देकर तुझे जिंदगी के लायक बनाया। अगर तू नहीं पढ़ा तो कौन है जिम्मेदार? कौन? स्कूल भेजकर पॉकेट मनी देकर मेरा काम हो गया भाई, हो गया बोलकर सारे शहर में ढिंडोरा पीटते रहो। शादी करके पति की जिम्मेदारी निभाली, बच्चे पैदा किए बाप की जिम्मेदारी निभाली, और तनख्वाह देकर घर की जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं बिगड़ रहा हूँ जानते हुए भी चुपचाप बैठे हैं आप? कम से कम उस वक्त एक साइकिल शॉप या एक पान की दुकान खोलकर दे देते आप, उस धंधे को बढ़ाकर मैं आगे बढ़ जाता। लेकिन आपने क्या किया? कहीं काम देख नालायक ऐसा कहा मुझे? फर्स्ट टाइम जब मैं पुलिस स्टेशन गया तब मुझे छोड़ाकर अच्छी तरह से अगर आप समझाते तब मैं मानता कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ किया है। ऐसा करने के बजाय आप अपनी इज्जत बचाने के लिए यहां आकर मुझे शराफत का पाठ पढ़ा रहे हैं। हौसला है तो वो अच्छे बच्चे हैं, नहीं तो वो नालायक बच्चे होते हैं। हमेशा नंबर वन चाहिए, तो ये देखो नंबर 1, इस राजधानी का नंबर 1 गुंडा बन गया। देख बेटा, तू मेरी जान मत जला, तू मेरी जान, चल मेरे साथ। अरे सो जा, चल। अगर नहीं गया तो क्या करेंगे अंकल? अगर तू मेरे साथ नहीं चला तो मैं तुझे यही पर काट डालूंगा। देखा, एक अच्छे बाप नहीं बन पाए तो कैसी जान जल रही है इनकी। देख, पैदा करने पर हम आपकी नजर में हीरा होते हैं और अब शर्म आ रही है ना? यह आपकी ही जान है, आपने ही इसे बनाया है, एक ही फटके में मुझे काट डालिए, बहुत अच्छा बाप कहलाओगे। एक ही फटके में काट डालिए, आइए काटिए, अरे काटिए ना। क्या गलत है, क्या सही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। इतना सा था, मैं ईमानदारी से जीता रहा, इस बात की कोई कीमत नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राजा अंकल, मैंने कितने घरों से तेरा नाम राजा रखा था,
अंकल संभाल अंकल, अंकल। अंकल खुद को संभालिए अंकल। अंकल चलिए घर चलिए। माँ कॉफी लो। माँ इसकी जात का क्या आदमी था साला। था तब भी टेंशन दिया, नहीं है तब भी टेंशन दे रहा है। ऐसे आदमी को तूने कभी देखा है क्या? जिंदगी भर मुझे चिल्लाता रहा, सिर्फ एक दिन मैंने उसे चिल्लाया, साला खुद को मार कर सो गया। बीबी बच्चे मेरी छोड़, बीबी बच्चे उसके भरोसे थे, उनका भी साथ छोड़ दिया। ए, कुछ दिन मेरे को ऐसा ही अकेला छोड़ दो। तुम लोगों को जो करना है वो करो, जाओ। जाने से तुमको ना रोक सके, माँ पे भी ना मांग सके। अल्लाह ये क्या हुआ, जाने क्यों इतनी दूर तुम हमसे चले गए। सदा के लिए तुम तो जुदा हो गए, कैसी सजा जीने की तुम हमें दे गए। जाने से तुमको ना रोक सके, माफी भी ना मांग सके। अल्लाह ये क्या हुआ। Ha ha ha.
क्यों इंस्पेक्टर, ताकत की दवा बूस्ट खत्म हो गई क्या? मुंह खुलवाने के लिए कोई और तरकीब सोचिए। पेशाब, संडास। हाय, तेरा मुंह मैं खुलवा के ही रहूंगा, सीधी तेरा बता दे राजा कहाँ है। अरे लंगोटिया यार हैं हम लोग, और एक यार दूसरे यार की लंगोट उतार सकता है क्या? हाय, शादी करके घर बसाना नहीं चाहता है क्या तू? इसके बारे में देश को सोचने दो, अपुन ऐसे ही अपनी जिंदगी का मजा लूटते रहेगा, समझ गया क्या? फिर घर बसाने की क्या जरूरत है बे? सीधी तरह बता दे वरना तेरे। तेरी बात मानने के लिए यहाँ कोई स्कूल का बच्चा नहीं बैठा है, समझ गया क्या? आज कोई स्कूल स्कूल नहीं है, नोट छापने की दुकान है, पढ़ाई साइड में, टाइम पास का अड्डा। इसी तरह मेरे सामने जबान लड़ाता रहेगा या फिर हम जैसों को बातों से ही पैदा करके बातों से ही देश को चलाने वाले तमाम पॉलिटिशियन ने हमें ये हक दिया है, जिस पर टैक्स नहीं लगता, यही चीज है। तो सर कुछ भी करने पर मुंह नहीं खोला सर। आगे बहुत जिंदगी गुजारनी है, सोच लो। सर क्या रखा है इस जिंदगी में? गटर से लेकर 5 स्टार तक देख चुका हूं मैं, जैसा चाहा वैसा एंजॉय किया। इस फटीचर की जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है सोचने को। सर, क्यों मुझे डरा रहे हैं क्या? शरीफों का नाटक करके हम जैसों से बुरे धंधे करवाने वालों को सिक्योरिटी देकर सिर्फ कठपुतलियों पर शिकंजा कसने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? हमें जीने का हक नहीं है क्या? आज उसका गेम बजा कर रहेंगे, चल दादो। राजा अगर आज हम एक पुलिस वाले को मारेंगे तो कल पूरा डिपार्टमेंट मिलकर हमारी कहानी खत्म कर देगा। अगर हमें आगे जिंदा रहना है सिर्फ एक ही रास्ता है, जमानत। इसकी जात क्या सर? हम बेल बेल करके आपको कोर्ट में यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ आराम से बैठे हैं। हाँ, अभी इस जन्म में तुम्हें बेल नहीं मिलेगा। क्या हुआ है आपको? हाँ, होश में आया हूँ। अगर बुद्धा बनना है तो बुद्धि बुद्धि के पीछे भागो, ना कि गद्दी के। तुम जैसे क्रिमिनल्स को बेल दिलवा कर, जान बचा कर, उन्हें बढ़ावा देकर, सभी गुनहगारों को भगवान का दर्जा देकर, उनकी भक्ति करने वाले हमारे देश में सबसे बड़े क्रिमिनल दो है, सिर्फ दो। एक तो कुछ घटिया रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर और दूसरे मुझ जैसे कमीने भ्रष्ट लॉयर्स। इस देश को खोखला करने के लिए किसी भी क्रिमिनल्स की जरूरत नहीं है, बस हम दो लोग ही काफी हैं। अगर मैं पहले तुम लोगों को बेल नहीं दिलवाता तो तुम लोग ऐसे नहीं बनते। मतलब आप हमें बेल नहीं दिलवाएंगे? देखो राजा, अब जो तुम लोगों ने किया है वो बहुत है, अब आगे आगे से एक जिंदगी बिताने की कोशिश करो। मेरी बात मानो, तुम सब सिलेंडर हो जाओ। अबे तेरी जात का तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। अरे सुन ना राजा, पुलिस, राजा पुलिस आइए, चल राजा, पुलिस आ रही है। नमक हराम है, चल इसे बाद में देख लेंगे राजा, चल चल। नमक हराम है तू। Chabe
राजा, पुलिस वाले हर तरफ से हमें अटैक कर रहे हैं यार। इसकी जात का साले उस लॉयर ने भी हमें टांग दे दी। नमक हराम साला तू। खैर छोड़, उसके बारे में बात करके क्या फायदा। इसकी जात का ये लाइफ ही ऐसी है, हमेशा उल्टा खेल खिलाकर बच्चा अब तू क्या करेगा बोलकर हमें टेस्ट करती है। इन चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, तुझे डर लग रहा है क्या? डर? अगर अपनी जिंदगी में डर नाम की चीज होती तो हम ऐसे क्यों होते, मस्त मौला की तरह। हाँ सही है। ए दादू, अंधेरा होने तक यही रुकते हैं, फिर अपना सारा माल लेकर चुपचाप यहाँ से दिल्ली निकलते हैं। वहां बशीर को बोलकर वहां से दुबई। कुछ दो चार साल यहाँ पैर नहीं रखेंगे, इसके जात का दुबई चलते हैं। चल, क्या बोलता है? दुबई दुबई, सुपर सुपर आइडिया यार। राजा, सारा उस लंबू शिवा के पास अपने 25 लाख रुपए बाकी है, क्या करूं? रात में जाकर वसूल करके आओ क्या? अबे येड़े, 25 लाख के चक्कर में वहां गया ना तो सीधा ऊपर चला जाएगा, गारंटी है। हर तरफ मामू लोग अपना इंतजार कर रहे हैं। बेटा, यू समझ ले कि हमने उसके पास फिक्स डिपॉजिट किया है। जिंदा रहा तो हर तरीके से ब्याज के साथ वसूल करेंगे, क्या बोलता है? ये मास्टर कहाँ है? सर, गोविंद नगर में है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है सर, नियर यशवंत रोड। बस वो यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से दुबई जाने का प्लान बना रहे हैं सर। मैं किसी भी तरह उन्हें यहाँ रोक कर रखता हूँ, आप लोग जल्दी आ जाइए। ओके सर। साला क्या गेम खेला है, दोस्तों की बजा दिया। तेरी जात का तूने अभी तक शराफत छोड़ी नहीं है। देर मत कर राजा, इसकी जात का ठोक डालते साले को यही। तुम्हारी गोलियां यहां पर। यहां आने से पहले ही गन से बुलेट निकाल कर खाली गन रख दी थी। तुम लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूं, चुपचाप सरेंडर हो जाओ। हे, हमारे साथ रहकर हमी की मारता रहा साले, नमक हराम। ए, मैं तुम लोगों के साथ रहा तुम लोगों को धोखा देने के लिए नहीं, तुम लोगों को बचाने के लिए और तुम लोगों के जरिए अंडरवर्ल्ड का खात्मा करने के लिए। तुम लोग पैसों की लालच में बुराई के रास्ते पर चल पड़े, उसे रोकने के लिए इंस्पेक्टर ने मुझे आइडिया दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम लोगों को नहीं मारेगा, ऐसा वादा करने के बाद ही मैं पुलिस इन्फॉर्मर बनने के लिए राजी हुआ। बाद में तुम लोगों के साथ शामिल हुआ, उसके बाद तुम लोगों को बचाने के लिए तुम लोगों को बेल ना दिलवाए लाहौर को धमकी भी मैंने ही दी थी। ए!
तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? रिश्वत खोर है। सत्यमेव जयते को बढ़ावा दूंगा कहकर लॉ की पढ़ाई की और अब उसी कानून को हाथ में लेने वाले, इस देश को खोखला करने वालों का साथ देने वाले, सोने वाले सात आदमी। ज्यादा फुदक मत साले की औलाद। तू लॉयर है? गांधी जी भी लॉयर थे, वो कहाँ और तू कहाँ? उनकी जूती की धूल के बराबर भी नहीं है तू। तमाम गुनहगारों को बेल दिलवा कर इस देश में मौत का सौदा करना चाहता है? हाँ, मजदूरी करने वाले, भीख मांगने वाले, अपने जिस्म को बेचकर अपना पेट पालने वाली औरतें भी कहती हैं कि ये देश हमारा है, इसका उद्धार होना चाहिए, और मुसीबत के वक्त पैसे दान करने से पीछे नहीं हटती। लेकिन तू तू अपने देश को बर्बाद करने पे तुला है। एक जो नियत है, एक मजदूर में जो ताकत है, एक भिखारी में जो देशभक्ति है, वो तुझ में नहीं है क्या? ये देश तेरा नहीं है क्या? महान भारत को महाभारत की भूमि बनाने पर क्यों तुला है तू? हाँ, यहीं पर तुम्हारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। वो जो खाते हैं वो गुनहगारों का होता है, तुम्हारी पत्नी जो जेवर पहन के घूमती है वो सब अबलाओं का होता है। हे, और ऐसे कितने गुनहगारों को बढ़ावा देगा कमीने, जो आगे चलकर एक दिन यही लोग तेरे बच्चों को अपनी राह पर चलाएंगे, उन्हें बुराई की राह पर चलाएंगे। इडियट, नहीं, मैं यही रहूंगा और कोर्ट में झूठे सबूत पेश करता रहूंगा और गुनहगारों को हमेशा बचाता रहूंगा। अगर ऐसा कहेगा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा साले। ए, मुझे मेरे फ्रेंड्स चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो सरेंडर हो जाएं और बदल कर शरीफों की जिंदगी जिए। अगर तूने मेरी बात ना मानी ना, तो मैं तुझे यहीं पर ठोक दूंगा साले। अब भी वक्त है दोस्तों, खुद को सरेंडर करके सजा काटाओ और शरीफों की तरह जिंदगी जियो। मेरा तुम लोग के अलावा और कोई दोस्त नहीं है। वाह, तेरा डायलॉग सुनकर तो मैं पिघल गया बे। दोस्ती इसको कहते हैं क्या रे? सरेंडर हो जाए क्या? तू सही कह रहा है राजा, सरेंडर हो जाते। ए, 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 राजा, ए, दादू, ए, तुम लोग ऐसा क्यों हंस रहे हो? देखो मेरी बात मान लो। राजा मेरी बात सुन। राजा क्या कर रहा है? नहीं सुनने वाला। राजा ये सब नहीं सुनने वाला। राजा मार बैठो। ए मेरी बात सुनो। ए राजा, राजा नहीं, राजा नहीं, राजा नहीं।
ज्यादा शूट नहीं करेंगे सर, सर डोंट शूट सर, प्लीज 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 सर, सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, आपने वादा किया था आपको साफ सुथरा करके सर। राजा सॉरी मास्टर, लेट हो गया, अगली बार स्कूल में जरूर आऊंगा। यही आपके बच्चे हैं, देखिए आइडेंटिफाई करके फॉर्म पर साइन कीजिए। मेरा बेटा नहीं है। ठीक से देख के बताइए, यही आपका बेटा है ना? नहीं सर, मेरे बेटे को मरे हुए बहुत दिन हो गए। बताइए, यही आपका बेटा है ना? नहीं सर, ये मेरा बेटा नहीं है। बच्चों की पैदाइश आपके लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है, वो आपकी ही लिखी हुई कहानी है। उन्हें पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाइए, युवा शक्ति को बचाइए, वरना ये बेरहम दुनिया कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि उसे दिल नहीं है मगर आपको है।